गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में आज हम बात करेंगे अंतर आणविक बल। जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है, एक ही अणु के ऋण व धन विद्युती परमाणुओं या अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, इनको अपन बोलते हैं अंतर आणविक बल। और इसमें अपन आज बात करेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो किसी भी ऋण विद्युती परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु किसी भी ऋण विद्युत परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जुड़ने पर उसके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और प्रबल ऋण विद्युती परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के अधिक ऋणात्मक परमाणु के साथ एक बंध बना लेते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात यही है कि हाइड्रोजन परमाणु जब इन अधिक ऋण विद्युती परमाणुओं के साथ बंध बनाता है तो उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि हाइड्रोजन बंध दो सहसंयोजी बंधों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन ब्रिजिंग भी कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रिजिंग जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लेती हूं मैं, ओ एच एंड एच, वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे बोलो क्या होगा, माइनस, यहाँ बोलो क्या होगा, प्लस, क्लियर। और जब अपन इनको जोड़ते हैं तो देखिए, ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो अधिक ऋण विद्युती परमाणु है, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, या बोलूं उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। और जब अट्रैक्शन होता है तो देखिए ये आपस में जुड़ जाते हैं। और अपन को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, क्लियर। तो अपन ने यही कहा था कि जब जो हाइड्रोजन होता है वो अधिक ऋण विद्युती परमाणु, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ में जुड़ता है, तो उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रू बॉन्ड नहीं होता है, फॉल्स बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए अपन ने इसको किससे डिनोट किया है, डॉटेड लाइन से। तो मैं लिख सकती हूँ, ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, हाइड्रोजन जो बंध है इसके प्रकार देखिए। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतरा अणुक, फर्स्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है अंतरा अणुक, जिसको अपन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। दोनों नाम ध्यान में रखेंगे आप, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी जो है वो है अंतः अणुक, एक होती है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको अपन बोलते हैं इंटरा, देखो ये है इंटर मॉलिक्यूलर, और ये क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अपन बारी बारी से दोनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहले मैं बात करती हूँ अंतरा अणुक, पहले मैं बात कर लेती हूँ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसमें हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिक या अलग अलग यौगिकों के दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह आकर्षण युक्त बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। तो ऐसे लिख दूं कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग अणुओं के बीच में बने तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फिर दो प्रकार की होती है, या तो ये जो अलग अलग परमाणु हैं ये कैसे हो सेम, या बोलो कैसे हो डिफरेंट। क्लियर? तो इसके आधार पे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर दो प्रकार की हो गई। एक हो गई सम अंतरा अणुक, सेम है इसका अपन कैसे लिख सकते हैं, सम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक अपन कैसे लिख सकते हैं, विषम अंतरा अणुक। क्लियर? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही है वो दोनों अणु यदि सेम है तो उसको बोलेंगे सम अंतरा अणुक, अगर अलग अलग है तो विषम अंतरा अणुक। अब सम अंतरा अणुक का एग्जांपल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया था वाटर मॉलिक्यूल, दोनों ही जो अपने अणु हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके बीच में हो रही है वो बोलो कैसे हैं, सेम। क्लियर? ऐसे ही मैं देखो एग्जांपल ले लेती हूँ HF, ये देखिए HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे भी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एच एंड बोलो क्या होगा एफ, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे भी जो अलग अलग दोनों अणु हैं वो कैसे हैं, सेम, इनके बीच में बोलो क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। अब देखिए विषम अंतरा अणु, देखिए एक तो मैं ले लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल एच ओ एच, और एक मैं बोलो कौन ले लेती हूँ, एल्कोहल, देखिए एच ओ आर। क्लियर? और यहाँ पे देखना क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बोलो क्या हो गई, विषम अंतरा अणु, क्योंकि जो अणु है दोनों वो अलग अलग है। ऐसे ही मान लीजिए एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, इसकी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो आप देख सकते हैं दोनों अणु क्या है, अलग अलग, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, विषम अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन ने कहा दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतरा अणु जिसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, एक होती है अंतः अणु जिसको अपन बोलते हैं इंटरा मोलिकुलर। अंतरा को बोलते हैं इंटर और अंतः को बोलते हैं इंट्रा। क्लियर? अब ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो अलग अलग अणुओं के बीच में होती है, अगर ये अलग अलग अणु सेम है तो उसको बोलेंगे समअंतरा अणु, अगर अलग अलग है तो बोलेंगे विषम अंतरा अणु। क्लियर? अब मैं बात कर लेती हूँ अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित होकर एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु व अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में बनता है, इसे किलेशन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो अलग अलग अणुओं में नहीं होकर के एक ही अणु में बनता है। क्लियर? और इसीलिए इसे किलेशन भी कहते हैं, किलेशन, इस वाली जो बॉन्डिंग है इसको किलेशन कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति अल्फा स्थितियों पर उपस्थित दो प्रतिस्थापी वाले एरोमेटिक यौगिकों में होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सब बच्चों को ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देखिए एरोमेटिक यौगिक जिनकी अल्फा पोजीशन पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये है फिनोल जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। और अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये कौन है, हाइड्रोजन, और इनके बीच में बोलो क्या हो जाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही अणु में हाइड्रोजन और अधिक ऋण विद्युती तत्व के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे देखिए ऑर्थो पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देखिए
बेंजोइक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो हो गया। और ऑर्थो पे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑर्थो क्लोरोफिनोल, देखिए फिनोल ओ एच और ऑर्थो पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और जो कि क्लोरीन भी अधिकरण विद्युती है, यहाँ पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, बोलो, इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। क्लियर, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यौगिक के भौतिक गुणों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अंतरा अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध का यौगिक के भौतिक गुणों पे क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले बात करती हूं मैं अणु भार। देखिए कुछ यौगिक जो होते हैं उनके प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किए हुए अणु भार रासायनिक सूत्र के द्वारा परिकलित मानों से बहुत अधिक होते हैं। ऐसा इसलिए किस लिए होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कुछ यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण सगुणित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं ये CH3C डबल बॉन्ड OH। जब अपन इसका प्रयोगों के द्वारा अणुभार ज्ञात करते हैं तो देखिए ये हो गए 24 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का बोलो कितना हो गया 32 और ये हो गए प्लस 4 तो ये बोलो कितना आता है 28 ये 60 आता है अपना मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जब इसका अपन प्रयोग के द्वारा ज्ञात करते हैं तो वो कितना आता है 120। इसका मतलब क्या हुआ, एसिटिक एसिड में जो ये अणु है इस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ गए और इनमें अणुओं का एसोसिएशन हुआ। देखिए कैसे जुड़े, CH3C डबल बॉन्ड ये OH, एक अणु तो ये हो गया। अब इसमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, देखिए CH3C OH और ये हो गया डबल बॉन्ड O। ये मैंने इसके दो अणु लिए हैं आप लोगों के सामने, इनमें होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंतरा अणुक, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ये है कौन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन, और अणु का बोलो क्या हो गया, एसोसिएशन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके दो अणु जुड़ गए तो अणु भार 60 नहीं आकर के बोलो कितना आएगा, 120। क्लियर, ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए भौतिक अवस्था, पहला है अणुभार, भौतिक अवस्था देखिए, भौतिक अवस्था ये हो कि H2O जो होता है वो द्रव होता है लेकिन H2S जो है वो गैस, क्यों, तो इस क्यों का आंसर बोलो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन को पता है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अणुओं का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, और वो कहां, पास पास में आएंगे तो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से अणु दूर दूर रहेंगे तो कौन से स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट। क्लियर, ऐसे ही देखिए HF जो है वो द्रव है जबकि HCl बोलो क्या है, गैस, इसका आंसर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका एसोसिएशन संघनन हो जाता है जिसके कारण सामान्य ताप पर द्रव अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि HCl अणु में क्लोरीन के बड़े आकार और कम ऋण विद्युती होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए सामान्य तापक्रम पर बोलो कैसे होते हैं, गैस। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए गलनांक और क्वथनांक। अब देखिए गलनांक, जब किसी भी ठोस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो एक निश्चित तापक्रम पे होता है, उसको अपन गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक द्रव किसमें कन्वर्ट होता है, एक निश्चित ताप पे गैस में, उसको अपन बोलते हैं क्वथनांक। अब ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए उनके अणुओं को ऊष्मा दी जाती है, अतः किसी भी यौगिक के मध्य का बंध जितना अधिक प्रबल होगा उसके अणुओं को उतनी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और उनके गलनांक और क्वथनांक के मान उतने ही ज्यादा होंगे।
क्लियर। अपन को पता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के मान भी बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे H2O NH3 H2O NH3 एंड HF हाइड्राइड है ये। ये 15 फैमिली का, ये 16 और ये 17 इनके हाइड्राइड्स हैं। क्लियर। के गलनांक व क्वथनांक अपने ग्रुप के अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। देखिए NH3 के नीचे बोलो कौन आता है, PS3, यहाँ पे आता है H2S और यहाँ पे आता है HCl। तो देखिए अब अगर अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। क्लियर। तो HCl, H2S और PS3 के गलनांक ज्यादा होने चाहिए लेकिन नहीं होते। इनसे गलनांक किसके ज्यादा होते हैं, NH3 का H2S से H2O का ज्यादा होता है, HCl से किसका ज्यादा होता है, HF का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NH3, H2O और HF के अत्यधिक गलनांक का कारण इनमें उपस्थित अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध है, जिसके कारण इन अणुओं का संगुणन हो जाता है और इनको वाष्पीकृत करने के लिए पहले उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है, जिसके लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है और इसी कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बोलो क्या हो जाते हैं, ज्यादा। क्लियर। ध्यान रखेंगे। आगे देखें विलेयता। विलेयता देखिए, जो यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे वो जल में घुलनशील हो जाएंगे। जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या होते हैं, घुलनशील। जैसे वाटर है, मैंने वाटर लिया है और अल्कोहल ले लेती हूँ और अपन को पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये इजिली इसमें क्या हो जाएंगे, घुलनशील। क्लियर। श्यानता देखिए, किसी अणु में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे अणुओं का उतना ही ज्यादा संगुणन होगा और उसकी श्यानता उतनी ही बोलो क्या होगी, ज्यादा। इसी कारण जो ग्लिसरॉल होता है उसकी श्यानता जल अथवा अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं जिसकी वजह से वो प्रत्येक अणु अनेक हाइड्रोजन बंध बना सकता है। इसी कारण ग्लिसरॉल के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल अधिक हो जाता है और अणु पास पास आ जाते हैं, फलस्वरूप उसकी श्यानता बढ़ जाती है। आगे देखें पैरावैद्युतांक। हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के सहसंयोजी बंधों की ध्रुवणता में वृद्धि होती है, इस कारण इनके पैरावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण भी में भी वृद्धि हो जाती है। आगे देखिए बर्फ का घनत्व इम्पोर्टेंट। देखिए बर्फ का घनत्व अपन को पता है, बर्फ का घनत्व वाटर का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सामान्यतया किसी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन जल को जब अपन ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका घनत्व बढ़ता है, लेकिन बाद में उसका घनत्व क्या होने लगता है, कम। तो शुरू में तो देखो घनत्व बढ़ेगा और बढ़कर के कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको हीट अगर ठंडा करेंगे तो उसका घनत्व बोलो क्या हो जाएगा, कम। इसका कारण ये है कि जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इस ताप परिसर में जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे जल के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, फलस्वरूप जल का संकुचन होता है और घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर
अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो प्रसार की मात्रा अधिक होने से जल के अणु पुनः एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और घनत्व क्या होने लगता है, कम। क्लियर? आगे देखिए, हेलोजन अम्लों की अम्लीयता का अम्ल की प्रबलता, और अपन को पता है HF, HCl, HBr और HI, और ये होता है दुर्बल अम्ल और ये होता है प्रबल अम्ल। देखिए, इसका अपन को पता है HF दुर्बल अम्ल क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा है और यहाँ पे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा अणुओं का संघनन हो जाता है, जिसके कारण ये इजीली H प्लस आयनों का त्याग नहीं कर पाता, दुर्बल अम्ल रहता है। इसके विपरीत आयोडीन जो होता है उसकी कम विद्युत ऋणता और बड़े आकार के कारण HI के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित नहीं हो पाते और इजीली H प्लस आयनों का त्याग कर देते हैं और कैसे हो जाते हैं, प्रबल अम्ल। क्लियर? आगे देखें, हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत देखिए। हाइड्रोजन बंध के तीन सिद्धांत हैं स्पष्ट करने के लिए। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, एक है वैलेंस बैंड थ्योरी और एक है अणु कक्षक सिद्धांत, जिनके बारे में अपन आगे वाले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। Thank you.